हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बाका बॉय लौट आया हूँ एक और नए वीडियो के साथ, और आपका स्वागत है एक और अनपॉपुलर ओपिनियन के एपिसोड में। मैं जानता हूँ कि मैं काफी टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते का ब्रेक लिया था। मेरे लास्ट वीडियो को आया 2 हफ्ता हो गया, और अगर इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज को भी काफी टाइम हो गया लास्ट एपिसोड आए, जिस वजह से काफी सारे अनपॉपुलर ओपिनियंस जमा हो चुके हैं, जिन्हें एक वीडियो में कवर करना तो काफी मुश्किल है। तो इसलिए इसमें मैंने कुछ ही लिए हैं, और अगले एपिसोड में बाकी के मैं कवर करूंगा, और जो उसमें नहीं कर पाया वो आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अनपॉपुलर ओपिनियन है सिराज भाई का #unpopularopinions। तो ये काफी बड़ा है, तो मैं एक ओपिनियन पढ़ूंगा, फिर उसका आंसर दूंगा, फिर अगला ओपिनियन पढ़ूंगा। तो पहला है, सेक्सुअलाइजेशन ऑफ अंडर एज गर्ल्स एज दे से लोली इज नॉट मैन ऑफ कल्चर एंड जस्टिफाइड बाय सेइंग दैट दे आर 1000 ईयर ओल्ड रिडिकुलस। यस आई एग्री, सेक्सुअलाइजेशन ऑफ लोली कैरेक्टर्स इज नॉट अ मैन ऑफ कल्चर, इट्स डिस्गस्टिंग। It's disgusting because the type of jokes they make makes me uncomfortable. But to be fair, it's not like they are real. ऐसा नहीं है कि अगर किसी को लोली कैरेक्टर्स पसंद है तो वो रियल लाइफ में पेडोफाइल है। और जो 1000 ईयर वाला है वो तो ऐसा है कि एक मीम टाइप है, तो मैं इसे सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि अगर किसी को एनिमे में लोलीज पसंद है तो उसे रियल लाइफ में पेडोफाइल बोल देना ये सही नहीं है। अगला है, यू डोंट नेसेसरी नीड टू हैव अ वाइफू और हैव स्पेशल अट्रैक्शन टुवर्ड फिक्शनल एनिमे गर्ल्स टू बिकम अ ट्रू एनिमे फैन। तो इसके साथ भी मैं 100% एग्री करूंगा, जरूरी नहीं है कि लोगों की वाइफू होनी चाहिए, वरना वो ट्रू एनिमे फैन नहीं है। आप पूरी जिंदगी एनिमे फैन रह सकते हो बिना किसी वाइफू के, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप एनिमे देखते हो तो कोई ना कोई ऐसी कैरेक्टर आपको मिली जाती है जो आपको काफी पसंद आती है। ऐसा नहीं कि वाइफू के इसमें, भले वो मेन मेल कैरेक्टर भी हो सकता है, एक कैरेक्टर जो आपको काफी ज्यादा पसंद आता है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, जो उसके कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आपको काफी ज्यादा भा जाते हैं। तो इसीलिए उनके लिए वाइफ और हस्बैंड वर्ड यूज होते हैं। जरूरी नहीं कि आप उनसे मैरिज करना चाहते हो, लेकिन ऐसा है कि आपको वो कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद है, इस सेंस में भी वाइफ और हस्बैंड वर्ड यूज होता है। पर जो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई तू इतने टाइम से एनिमे देख रहा है, या इतने टाइम से तू एनिमे देखता है और तेरी वाइफ नहीं है, वो लोग काफी अजीब है, ऐसे लोगों से दूर रहना अच्छा है। थर्ड है, वॉचिंग 12 episodes a day is not a cool thing, get some life out there। तो आई 100% agree। और जो भी लोग ऐसा करते हैं, मैं उन्हें एक ही चीज कहना चाहूंगा कि stop bragging about how much anime you watch in a day, nobody cares and it's annoying। फोर्थ है, इंडस्ट्री इज मेकिंग मोर गार्बेज एंड एवरेज एनिमे देन इट डिड बैक देन। तो इसके साथ मैं 50-50 करना चाहूंगा कि मैं इससे एग्री भी करता हूँ 50% और 50% डिसएग्री भी। पहली बात तो बैक देन से मैं समझ नहीं पाया कि ये 90s की बात हो रही है, 80s की बात हो रही है, अर्ली 2000 की बात हो रही है, या 4-5 साल पहले की बात हो रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो एनिमे का बेस्ट टाइम था 80s और अर्ली 90s। उसके बाद भी काफी सारे अच्छे शोज आए, इनफैक्ट काफी सारे शोज जिन्हें बेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है वो 90s के लेट 90s मिड 90s में आए, और अर्ली 2000s में आए, और मिड 2000s में भी आए, और फ्यूचर में भी आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पीरियड में सिर्फ अच्छे आते हैं और अगले पीरियड में सिर्फ बेकार ही आते हैं, पर मेरे हिसाब से बेस्ट पीरियड था 80s का। तो मैं नहीं जानता कि तुम किस हिसाब से बोल रहे हो, पर अगर ऐसा भी देखा जाए कि तुम 80s की भी बात कर रहे हो, तो भी क्वालिटी और क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटल वाइज ओल्ड शोज वर रियली ग्रेट, बट आजकल के टाइम की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जो एनिमेशन की क्वालिटी वो इतनी बढ़ गई है कि इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शोज आजकल आ रहे हैं। कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि उनमें स्टोरी नहीं है अच्छी, या उसमें ये इतना अच्छा नहीं है, वो इतना अच्छा नहीं है, पर जो आजकल के एनिमेशन में जो ब्यूटी आ रही है वो हर साल के साथ एक स्टेप आगे जाते जा रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे फ्रोजन 2, तो फ्रोजन 2 का एनिमेशन तो मैं बोलूंगा कि क्या किया उन लोगों ने, बोलते ना एक गॉड लेवल पे लेके चले गए उन लोग। उन लोग ने खुद से एक सॉफ्टवेयर बनाया सिर्फ ऐसा के कपड़े डिजाइन करने के लिए, और वो क्या डिटेल डिजाइनिंग है और क्या ब्यूटीफुल एनिमेशन है। और एनिमे में भी काफी सारे जो रिसेंट टाइम में आए, तो ऐसे ब्यूटीफुल शोज आते जा रहे, तो ऐसा नहीं कि क्वालिटी कम हो रहा है या गार्बेज ज्यादा आ रहे हैं आजकल, बस ऐसा है कि आजकल एक्सपेरिमेंटल शोज काफी कम आ रहे हैं। जो चीज एक बार हिट होती है सारे शोज उसी को कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं कहूंगा पर उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जबकि 80s बेस्ट टाइम था, क्योंकि वहां उस टाइम पे हर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, हर कोई नई नई चीजें ट्राई कर रहा था। उस टाइम पे हर एक
जो एनिमेशन स्टूडियो था जो उस टाइम पे चल रहा था, वो अपने हर शो में कुछ नया टेक्नोलॉजी ला रहा था या नई स्टोरी में कुछ नया ला रहा था। और आजकल अगर इसेकाई चल गया तो सब इसेकाई बनाएंगे, ऐसा टाइम चल रहा है। तो इसलिए मैं 50-50 एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी। अब बढ़ते हैं पांचवे पे, मेकिंग लिस्ट ऑफ एनिमे शोज टू वॉच कैन रुइन योर प्रेजेंट एनिमे वॉचिंग एक्सपीरियंस कॉज ऑल व्हाट्स गोइंग ऑन योर माइंड इज दैट यू हैव टू वॉच द दिस फर्स्ट एंड आफ्टर दैट एंड यू have to finish your watch list but you keep adding new in list it becomes a task so you can't completely enjoy what you are watching currently। तो इसके साथ तो मैं 100% एग्री करूंगा। आप लिस्ट बनाने लगते हो कि मुझे क्या देखना है, तो उससे आपका मतलब, ये तो पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, पर मैं इसके साथ 100% एग्री करता हूँ। इसीलिए मैंने लिस्ट बनाना छोड़ दिया, क्योंकि आप लिस्ट बनाते हो तो ऐसा भी होता है कि काफी डिस्करेजमेंट लगता है कि अरे यार मैंने अभी तक ये नहीं देखा और मेरे को ये भी देखना है। ऐसा बिगनिंग स्टेज में होता है कि आप लिस्ट बनाते हो, उसके शोज देखते भी हो, पर एक टाइम के बाद आप छोड़ देते हो वो शोज देखना, पर फिर भी लिस्ट बनी रहती है और फिर वो एक टास्क लगने लगता है, काम लगने लगता है एनिमे देखना, फिर आप उसे एंजॉय नहीं कर पाते हो। अगले इसी तरफ बढ़ते, विनलैंड सागा इज एनिमे ऑफ द ईयर प्रीवियस ईयर नॉट डेमन स्लेयर। मैंने अभी तक विनलैंड सागा का एनिमे नहीं देखा तो मैं नहीं जानता कि मुझे कहना भी चाहिए उसके बारे में कुछ या नहीं, क्योंकि सही नहीं होगा जब तक मैंने देखा नहीं। पर क्योंकि मैंने उसका मांगा पढ़ा और मांगा के इससे बोलने जाऊं तो आई एग्री कि विनलैंड सागा एक अलग ही लेवल का शो है, और अगर एनिमे ऑफ द ईयर की बात करी जाए तो वही होना चाहिए अगर जैसा मांगा है वैसा अडेप्ट किया है तो। पर मुझे लगता है ये अनपॉपुलर ओपिनियन नहीं है, सबका यही मानना होगा। और अगर तुम बात कर रहे हो क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स की, तो सच कहूं तो क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स इतने क्रेडिबल नहीं है, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। अगर लोग बोल रहे कि ये शो एनिमे ऑफ द ईयर है तो वो नहीं है, मतलब उनके बोलने से नहीं होता कुछ ऐसा। अगला है टोक्यो गॉडफादर इज द बेस्ट सातोशी कॉन मूवी एंड बेस्ट वर्क इज पैरानोया एजेंट। आई एग्री विद पैरानोया एजेंट बट आई डिसएग्री विद टोक्यो गॉडफादर। आई पर्सनली थिंक दैट मिलेनियम एक्ट्रेस इज हिज बेस्ट मूवी, और मुझे लगता है कि अगर सातोशी कॉन जिंदा रहते तो उनका भी यही कहना होता। टोक्यो गॉडफादर काफी ऑसम मूवी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मिलेनियम एक्ट्रेस को जो बनाया था सातोशी कॉन ने खुद कहा था एक इंटरव्यू में कि वो उनकी सबसे सेटिस्फाइंग मूवी थी, यानी कि उन्होंने जितने भी अभी तक प्रोजेक्ट में काम किया है हर इससे ऐसा रहता है कि मैं इसमें अपने बेस्ट नहीं दे पाया। पर मिलेनियम एक्ट्रेस के टाइम पे तो उन्होंने भी कहा था कि मैंने इसमें जैसा मैं चाहता था वैसा ही बना, और जो बना उसकी तो क्या ही तारीफ करूं। अगला और फाइनल ओपिनियन की डेथ नोट डिजर्व्स ऑल द प्रेज इट गॉट, इट्स नीदर ओवर नॉर अंडररेटेड। तो इसके साथ मैं एग्री करता हूं, और इसी के साथ सिराज भाई के अनपॉपुलर ओपिनियंस खत्म हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले अनपॉपुलर ओपिनियन की तरफ। अगला अनपॉपुलर ओपिनियन है जून टॉक्स की तरफ से, जिन्होंने कहा है बर्जर्क इज नॉट द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम, इट्स अ ग्रेट सीरीज बट आई थिंक देयर आर अदर better written series, it is not in my top 10 manga ranking but it's in my top 15 or so, okay। तो इसके साथ मैं disagree करूंगा, क्योंकि Berserk is the greatest manga of all time। जैसा कि तुमने कहा कि there are other well written series as well, तो उसके साथ मैं agree करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी हैं तो ये नहीं है। मैं मानता हूँ Berserk is not the only goat but not being the only goat does not affect the greatness of Berserk। जब हम कहते हैं greatest तो उसके पीछे एक मतलब होता है, उस सीरीज के पीछे ग्रेटनेस होती है जिसकी वजह से हम उसे ग्रेटेस्ट कहते हैं। बर्सर्क ने 80s से अभी तक साबित किया है हर बार उसका ग्रेटनेस। बाकी भी कई सारी सीरीज है जो हो सकता है बर्सर्क से भी अच्छी अच्छी सीरीज होगी। इनफैक्ट मैं दो सीरीज का नाम मैं भी ले सकता हूँ जो पोटेंशियली बर्सर्क से अच्छी है, कई बार मैं भी मानता हूँ, जिसके बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा। आई एम श्योर आप लोग गेस कर सकते हैं उनमें से एक नाओकी उरासावा की है। तो ऐसा नहीं है कि बर्सर्क टॉप पे है और उसके ऊपर कोई नहीं, लेकिन अगर बर्सर्क के ऊपर भी कोई रहा तो भी इसका मतलब ये नहीं कि बर्सर्क ग्रेट नहीं है। अगर हम टॉप 10 ग्रेट की बात कर रहे हैं उसमें वो 10वें नंबर पे भी आता है तो भी उससे वो बेकार नहीं हुआ, तभी भी वो ग्रेट है। पता नहीं मैं इसे एक्सप्लेन भी क्यों कर रहा हूँ, मेरा मेन पॉइंट यही है कि आई डिसएग्री। अगला अनपॉपुलर ओपिनियन है जय शेवनॉल का। तो अनपॉपुलर ओपिनियन, गिंतामा वाज गुड फ्रॉम स्टार्ट, पीपल हु से इट विल बिकम गुड आफ्टर सर्टेन टाइम आर क्लियरली रॉन्ग। तो इसके साथ मैं पता नहीं एग्री भी करूंगा और डिसएग्री भी करूंगा, 50-50 नहीं। ऐसा है कि मैं पर्सनली मानता हूँ कि गिंतामा स्टार्टिंग से ही अच्छा चल रहा था, स्टार्टिंग से काफी अच्छा है, लेकिन मैं उन लोग को भी समझ सकता हूँ जो लोग कहते हैं कि गिंतामा एक टाइम के बाद अच्छे से चालू होता है, क्योंकि गिंतामा स्टार्टिंग में जैसा चल रहा रहता है वो एक स्टेट ऑफ स्टेलमेट में रहता है, किसी को नहीं पता रहता कि स्टोरी कहाँ जा रही है, वो बस चल रहा रहता है स्टार्टिंग में। लेकिन बेनी ज़ाकुरा आर्क के बाद एक स्टोरी को
बोलते ना एक दिशा मिल जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाता है, तो इससे लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है जिनका इंटरेस्ट स्टार्टिंग में नहीं रहेगा। वरना जो लोग गिंतामा देख रहे हैं क्योंकि उन्हें देखना है और एंजॉय करना है, तो उन लोग को तो स्टार्टिंग से ही देखने में मजा आएगा। लेकिन जो लोग गिंतामा देख रहे हैं और उनको जानना है कि गिंतामा इतना अच्छा क्यों है, तो उनको वो बेनिसाकुरा आर्क के बाद इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उसके पहले तो उनको ऐसा लगता है ये तो हर शो में होता है, ऐसा क्या है जो गिंतामा को अलग बनाती है बाकी शो से। या फिर ऐसा नहीं भी कोई सोच रहा होगा तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि गिंतामा की स्टोरी फिलहाल किसी डायरेक्शन में नहीं जा रही है, और वो बेनिसाकुरा आर्क के बाद क्लियर हो जाता है कि किस डायरेक्शन में इसकी स्टोरी जा रही है। अगला अनपॉपुलर ओपिनियन है औसम ओताकू का। आई हैव रेड द मांगा ऑफ प्रॉमिस नेवरलैंड एंड इट्स अ मास्टरपीस and deserves more appreciation than Attack on Titan season 4. इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि I have not read the manga yet, so I can't say anything. But this will be a good title for this video. तो इसलिए मैं इस ओपिनियन को रखूंगा। सॉरी मैं इसका कुछ आंसर नहीं दे सकता। अगर एप्रिसिएशन की बात है तो प्रॉमिस नेवरलैंड का मैंने फर्स्ट सीजन देखा, मुझे काफी पसंद आया और मुझे लगता है कि वो सीरीज काफी पॉपुलर भी हुई थी और अभी भी काफी पॉपुलर है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है, मतलब मैं सबको तो जानता नहीं, हो सकता है तुम्हें काफी लोगों ने कहा होगा कि प्रॉमिस नेवरलैंड इतना अच्छा नहीं है या फिर उसकी आप उनके इतने फैंस से नहीं मिलोगे, पर मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफी पॉपुलर है प्रॉमिस नेवरलैंड। जहां तक बात है मास्टरपीस की, तो मैंने फर्स्ट सीजन देखा, मुझे काफी पसंद आया, पर उस फर्स्ट सीजन में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं सेकंड सीजन के लिए काफी एक्साइटेड रहूं, इसलिए मैंने अभी तक सेकंड सीजन देखा भी नहीं। पर आई एम श्योर आगे काफी कुछ होता होगा, तुमने मांगा पढ़ा है, तो सॉरी मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। पर अगर किसी ने इसका मांगा पढ़ा है प्रॉमिस नेवरलैंड का और अटैक ऑन टाइटंस का भी मांगा पढ़ा है, तो वो इसका जवाब या अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा अनपॉपुलर ओपिनियन का। अगर आपके पास अनपॉपुलर ओपिनियंस हैं अपने, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसे कवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।